वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखेंगे। जिस कैरेक्टरिस्टिक कर्व जनरली हमको क्या दिखाते हैं कि मास फ्लो रेट के साथ प्रेशर हेड कैसे कैसे वेरी करता है, इसी में अपने को सर्जिंग और चोकिंग भी देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कैसा होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है अपना, कि मास फ्लो रेट के साथ प्रेशर हेड जो है, प्रेशर जो डिलीवर कर रहा है, प्रेशर जो जनरेट कर रहा है, वो कैसे वेरी करता है। तो अपन ने ये कंडीशन पढ़ी थी कि रेडियल वेन होगी, तो रेडियल वेन के लिए मास फ्लो रेट जैसे बनाएंगे, प्रेशर हेड क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसको अपन लोग जनरली क्या कहते हैं, आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन क्या है कि मास फ्लो रेट के साथ प्रेशर हेड का कोई चेंजेस नहीं होगा। ये कौन सी कंडीशन है, रेडियल वेन में अपन ने देखा था। लेकिन एक्चुअली में आइडियल है, आइडियल में तो कोई लॉसेस वगैरह होते नहीं। इसके पहले प्रेजेंटेशन में हमने लॉसेस भी देखे थे। तो लॉसेस के साथ क्या रिलेशन रहता है, कैसे वेरी करता है, वही कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। तो लॉसेस के साथ जो वेरिएशन होता है ये ऐसा होता है। ये ऐसा वेरिएशन होता है लॉसेस के साथ, ठीक है। सपोज ये वाला पॉइंट आप ए ले लीजिए, इस वाले जो मैक्सिमम पॉइंट है इसको बी मान लीजिए, इस वाले पॉइंट को आप यहाँ पे सी रख सकते हैं, इस वाले पॉइंट को डी। अब सपोज करिए कंप्रेसर हमने स्टार्ट किया, ये जो जितना नीचे जाएगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लॉस, क्योंकि आइडियल से नीचे है प्रेशर हेड। मास फ्लो रेट तो सेम है लेकिन आइडियल से प्रेशर हेड कम है, तो जो ये कारण किसके कारण है, ये लॉस। जितना ज्यादा लॉस उतना ज्यादा क्या अपना, उतना कम हो जाएगा प्रेशर हेड लॉसेस। तो मान लीजिए अपन ने अपना कंप्रेसर स्टार्ट किया, कंप्रेसर धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी स्पीड पकड़ेगा, कुछ समय बाद वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मींस इक्विलिब्रियम में आने के बाद इसकी आरपीएम क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो मान लीजिए जब वो इक्विलिब्रियम पे आया तो वो कहाँ पे था, सी पॉइंट पे था, इक्विलिब्रियम पे था, वो सी पॉइंट पे था। इसका एक पर्टिकुलर मास फ्लो रेट था, वो कितना था, ये पर्टिकुलर यहाँ पे मास फ्लो रेट था। अब किसी पर्टिकुलर मींस से, किसी तरीके से अपन ने क्या किया, उसका मास फ्लो रेट रिस्ट्रिक्ट किया। किसका, कंप्रेसर का मास फ्लो रेट रिस्ट्रिक्ट किया। रिस्ट्रिक्ट करने से क्या होगा, मास फ्लो रेट रिस्ट्रिक्ट करना मतलब मास फ्लो रेट घटाना। तो मास फ्लो रेट हम घटाएंगे तो हम देख रहे हैं कि अपना प्रेशर हेड बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं ना अधिक से अधिक प्रेशर हेड मिले, वही तो काम है ये प्रेशर का, अच्छी बात है। एक घटाते घटाते हमने और घटा दिया, तो हमने देखा एक पॉइंट ऐसा आ गया कि यहाँ पे अपने को अधिकतम प्रेशर हेड मिल गया इस पॉइंट पे, इस वाले मास फ्लो रेट के लिए अपने को अधिकतम प्रेशर हेड मिल गया। अब हमने क्या किया, देखा, हमको तो पता नहीं था कि यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, तो एक्सपेरिमेंट के बाद मालूम चला ना। लेकिन हमको लगा कि घटाने से यदि प्रेशर रेशियो बढ़ रहा है तो थोड़ा सा और घटा दिया जाए, क्या होगा भैया, और देखते हैं, और शायद प्रेशर हेड बढ़ जाए। हमने थोड़ा सा प्रेशर हेड और घटाया इस मैक्सिमम के बाद, तो हमने देखा प्रेशर हेड कम होने लगा। उससे क्या हुआ, सर्जिंग हो गई। अब प्रेशर हेड कम होने लगा, सर्जिंग क्या होती, पहले ये समझते हैं। ये मान लीजिए प्रेशर P1 पे यहाँ पे एंट्री किया और P2 पे एग्जिट किया कंप्रेसर से। अब P2 क्या है, बहुत ज्यादा है P1 से, ठीक है, ये कंप्रेसर हो गया। तो सर्जिंग तब होती है, देखिए P2 तो ज्यादा है मतलब एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट है, अपन लोग फ्लो इस डायरेक्शन में करा रहे हैं ना, तो जनरली फ्लो कहाँ पे होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लेकिन अपन लोग फ्लो इस डायरेक्शन में करा रहे हैं मतलब एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट के साथ अपन लोग फ्लो करा रहे हैं, और एवरेज प्रेशर ग्रेडियंट के साथ अपन फ्लो करा रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं बाहर से, इसलिए वो फ्लो हो रहा है। लेकिन मास फ्लो रेट अपन लोग बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, इफ मास फ्लो रेट इज रिड्यूस्ड, इज लेस मोर, अधिक ज़्यादा मास फ्लो रेट कम कर देंगे तो वो क्या होगा, जो फ्लो होगा बैक हो जाएगा या रिवर्स हो जाएगा। फ्लो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, और उसी रिवर्स फ्लो या बैक फ्लो को अपन लोग क्या कहते हैं,
सर्जिंग कहते हैं। क्यों कम हुआ? क्योंकि अगर ज्यादा मास फ्लो रेट था कोई दिक्कत नहीं थी, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट में भी फ्लो आगे चला जा रहा था, लेकिन मास फ्लो रेट एक लिमिट से अपन ने ज्यादा कम कर दिया तो जो फ्लो था वो आगे बढ़ने की जगह रिवर्स हो गया, बैक फ्लो हो गया। उसी रिवर्स फ्लो या बैक फ्लो को अपन लोग सर्जिंग कहते हैं। तो अब वो सर्जिंग होती कैसे है ये देखते हैं। तो फ्लो या इस पॉइंट पे क्या था, मैक्सिमम प्रेशर रेशियो था, समझिएगा थोड़ा सा। इस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रेशर रेशियो था, ये यहां से कंप्रेसर से निकला और यहां पे डिलीवरी थी। ये कंप्रेसर की यहां पे डिलीवरी हो रही है, यहां से जो एयर हो रही है वो क्या हो रही है, डिलीवर्ड हो रही है। तो जब मैक्सिमम प्रेशर रेशियो था तो इस पॉइंट पे प्रेशर रेशियो क्या था, पीबी वाला, ठीक है। इस पॉइंट पे प्रेशर रेशियो क्या हुआ, एग्जिट, बिल्कुल एग्जिट कंडीशन है प्रेशर रेशियो पीबी, मैक्सिमम प्रेशर रेशियो। अब अपन ने क्या किया, मास फ्लो रेट घटा दिया, मास फ्लो रेट घटा दिया तो प्रेशर रेशियो क्या हुआ, कम हुआ। प्रेशर रेशियो कम हुआ तो अभी तो वो प्रेशर रेशियो, प्रेशर जो एयर है जिसका प्रेशर रेशियो कम हो चुका है मास फ्लो रेट कम करने से, वो डिलीवरी लाइन तक तो पहुंची नहीं, वो कंप्रेसर की डाउन स्ट्रीम में ही है, कंप्रेसर की डाउन स्ट्रीम में ही है। तो कंप्रेसर की डाउन स्ट्रीम में इसका मास फ्लो रेट तो कम हो गया, लेकिन डिलीवरी सेक्शन में मास फ्लो रेट ज्यादा है तो यहां से क्या हो जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा। यदि मास फ्लो रेट एक लिमिट से ज्यादा अपन ने घटा दिया तो, क्योंकि डिलीवरी सेक्शन में तो अपन ने मैक्सिमम प्रेशर मान लिया लेकिन डाउन स्ट्रीम में प्रेशर घट गया, क्यों, मास फ्लो रेट घटाया तो प्रेशर रेट घट गया डाउन स्ट्रीम में, तो यहां पे प्रेशर कम हो गया, यहां पे ज्यादा हो गया, तो मास फ्लो रेट भी और क्या हुआ, कम कर दिया अपन ने, तो ये बैक फ्लो यहां से मार देगा। इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, सर्जिंग कहते हैं, ठीक है। तो सर्जिंग समझ में आया। फिर उसके बाद मतलब सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को हम लोग एक पर्टिकुलर मास फ्लो रेट से नीचे काम नहीं करवा सकते, सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन नॉट, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स कैन नॉट वर्क बिलो अ पर्टिकुलर मास फ्लो रेट। और वो पर्टिकुलर मास फ्लो रेट कौन सा है, मतलब बी पॉइंट से लेफ्ट साइड अपन लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को काम नहीं करा सकते। अब इसमें स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो है, यहां से इनिशियल में स्लोप ऑफ कर्व कितना है, पॉजिटिव है, यहां पे स्लोप कितना है, पॉजिटिव है, यहां पे स्लोप जीरो, फिर यहां पे स्लोप निगेटिव है, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव मतलब मास फ्लो रेट बढ़ा तो प्रेशर बढ़ रहा, यहां पे मास फ्लो रेट बढ़ रहा तो प्रेशर रेशियो कम हो रहा, प्रेशर हेड। फिर एक पॉइंट आता है कि मास फ्लो रेट अब अपन ने क्या किया, बढ़ाना शुरू कर दिया, इस पॉइंट पे था, इस मास फ्लो रेट हमने बढ़ाना शुरू कर दिया, हमने देखा कि घटाने से तो ये दिक्कतें हो रही हैं, इस पॉइंट के बियॉन्ड अपन लोग घटा नहीं सकते, तो अब मास फ्लो रेट हमने क्या बढ़ाना शुरू कर दिया। तो बढ़ाना शुरू किया, देखे 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 क्या हुआ कि प्रेशर हेड घटना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया। क्यों घट रहा है भाई मास फ्लो रेट बढ़ाने से, क्योंकि ये कर्व दूर जा रहा है, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये लॉसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रेशर लॉर हेड क्या होगा, कम होगा। लेकिन डी पॉइंट पे हमने देखा, जैसे ही हमने डी पॉइंट पे देखा तो जो कर्व हुआ वो क्या हो गया, वर्टिकल हो गया एकदम, ये कर्व क्या हो गया डी पॉइंट के बाद वर्टिकल हो गया, मतलब इस डी पॉइंट के बाद अपन लोग मास फ्लो रेट नहीं बढ़ा सकते। क्यों, एक पर्टिकुलर मास फ्लो रेट से ज्यादा अपन लोग बढ़ाएंगे तो लॉसेस जो थे इतने ज्यादा हो गए कि प्रेशर रेशियो क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे प्रेशर रेशियो कितना हो गया इस पर्टिकुलर मास फ्लो रेट के लिए, इस पर्टिकुलर मास फ्लो रेट के लिए, इस वाले मास फ्लो रेट के लिए एम डी पे प्रेशर कितना हो गया, हेड जीरो। क्यों हो गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज से आप मास फ्लो रेट बढ़ा दिए तो लॉसेस इतना ज्यादा हो गया कि प्रेशर हेड जीरो हो गया। इस कंडीशन को अपन लोग क्या कहते हैं, चोकिंग। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, चोकिंग, मतलब यहां से यहां तक ये वाली पूरी पॉइंट क्या हो गया अपना, चोकिंग। चोकिंग मतलब अब चोक हो गया कंप्रेसर, कंप्रेसर से प्रेशर मास एयर निकली नहीं रही बाहर। चोकिंग मतलब क्या हो गया, चोक मतलब क्या हो गया, पाइप आप लोग बोलते हैं चोक हो गया, चोक हो गया मतलब पाइप से पानी नहीं जा रहा। और कंप्रेसर चोक हो गया मतलब अपन ने मास फ्लो रेट तो बहुत बढ़ा दिया लेकिन कंप्रेसर का काम है जब तक प्रेशर ना बढ़े तब तक उसको देने से कोई मतलब नहीं डिलीवरी करने से। तो मास फ्लो रेट बहुत बढ़ा दिया लेकिन प्रेशर रेट जीरो हो गया तो वो कंप्रेसर की वो कौन सी कंडीशन हो गई, चोकिंग, मतलब कुछ भी डिलीवरी नहीं करा गया। तो इस पॉइंट के बियॉन्ड अपन नहीं जा सकते। तो ये पूरा सेक्शन कौन सा हो गया, चोकिंग वाला। ये पूरा सेक्शन कौन सा हो गया आपका, सर्जिंग वाला। तो ऑपरेटिंग रेंज अपने को कौन सी मिली,
ये जो सर्जिंग और चोकिंग के बीच थी, यही ऑपरेटिंग रेंज अपने को मिली। ये ऑपरेटिंग रेंज एक अच्छी ऑपरेटिंग रेंज है, वाइड ऑपरेटिंग रेंज है, और जनरली ऑपरेटिंग रेंज अपने को ये वाली मिली। तो इसके बीच में ही अपन लोग क्या करें, अपने मास फ्लो रेट को वेरी करें, जिससे अपना जो प्रेशर रहे इफिशियंसी थे, और ऑपरेटिंग रेंज अपने को और अच्छी रखना है, इफिशियंट ऑपरेटिंग रेंज। तो अपन लोग क्या करें, जनरली कोशिश करें कि बी से सी के बीच में जो अपना मास फ्लो रेट रहे वो वेरी करें, क्योंकि बी पॉइंट पे क्या है, लॉसेस सबसे मिनिमम है, और सी पॉइंट तक थोड़े उससे लॉसेस है, लेकिन सी पॉइंट के बियॉन्ड लॉसेस जो हैं बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो रीजन बी से सी जो है वो मोस्ट डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट है प्लॉट करना। क्यों? क्योंकि बी से थोड़ा सा भी कम करें तो अपना चोकिंग हो जाएगी, और सी से थोड़ा सा भी आगे बढ़ाए तो बी से थोड़ा सा भी कम करें सर्जिंग हो जाएगी, सी से थोड़ा सा भी आगे बढ़ाए तो चोकिंग हो जाएगी। तो बी से सी क्या हो गया, अपना ऑपरेटिंग रेंज, एंड इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्लॉट बिकॉज स्मॉल वेरिएशन विल रिजल्ट इन सर्जिंग एंड चोकिंग बोथ। ठीक है, और अपना मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट कौन सा हो गया, बी पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस क्या है, मिनिमम, सबसे मिनिमम लॉसेस है। सो ये रहा कैरेक्टरिस्टिक कर्व सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।